अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं वेफल्स बनाने जा रही हूँ। ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट है, स्नैक है, और उसको मैं आपको बताऊंगी कि आपको पैन में कैसे बनाना है और वेफल मेकर में कैसे बनाना है। तो दोनों तरीके आपको बताऊंगी, और उसी को चॉकलेट फ्लेवर अगर करना है तो कैसे करना है मैं बताती हूँ। और ये रहे उसके इंग्रेडिएंट्स, ये शुगर है, ये एग है 2, मैदा है, ऑयल है, ऑयल या बटर दोनों चीज़ आप डाल सकते हैं, सॉल्ट है, बेकिंग पाउडर है, ये वनीला एसेंस है, वनीला एसेंस है ये, और ये है हमारा मिल्क, कोई भी वो फ्रेश मिल्क चाहिए हमें। अभी हम बताते हैं कि कितना इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़ेगा। ये हमारा है मेजरमेंट, तो ये हाफ कप का है, तो हम ये 4 डालेंगे तो 2 कप हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये हमारे 2 कप हो गए। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून शुगर डालनी है, तो हम एक साथ ये है हमारा 3/4 कप है, तो ये 3 टेबल स्पून हो जाएगा, शुगर हो गई हमारी। ये 2 एग है हमारे पास, पहले हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर हमें डालना है 1/2 टेबल स्पून हो गया, ये टी स्पून, ये हम डालेंगे 1 टी स्पून, एंड टू टी स्पून। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस 1 टी स्पून, अब इसमें जाएंगे 2 एग, ये 2 एग गए इसमें, और इसमें अब जाएगा ऑयल, ये 3 टेबल स्पून ऑयल जाएगा, 1, 2, 3। अब इसमें हमारा जाएगा 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ये हमारा 1/2 टीस्पून सॉल्ट हो गया। कहाँ है हमारा ये ऑयल का, अब हमारा इसमें जाएगा मिल्क, वन टू थ्री फोर, ये हो गया 2 कप ऑयल, ओ मिल्क हो गया, सॉरी। ये अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसको ऐसे मिक्स करते हुए तो इसमें लम्स फिर भी रह जाते हैं क्योंकि ये मैदा है, तो हम इसे क्या करेंगे अभी मिक्सर ग्राइंडर में शिफ्ट करके और उसे बस एक बार राउंड कर लेंगे और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सारे लम्स इसमें खत्म हो जाएंगे। हम इसको ग्राइंडर में शिफ्ट कर रहे हैं तो इसे थोड़ा सा उसको 2 बार चला लेंगे, बहुत अच्छा सा हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर ऐसे अगर हम करेंगे टाइम भी बहुत लगेगा और लम्स रह जाएंगे उसमें, तो अभी लम्स नहीं उसमें रहने चाहिए, ज्यादा स्मूथ बैटर बनाना चाहिए। हमारा बैटर रेडी हो गया, मैंने उसको ग्राइंड किया अच्छे से, अभी देखो कितना स्मूथ बैटर है, तो इससे बहुत अच्छा सा पैनकेक बनेगा, उसमें कोई गांठ नहीं रहेगी, बहुत जबरदस्त सा बनता है ये, और ये बच्चों का फेवरेट है। अब मैं इसमें बताती हूँ आपको कि अगर आपको बच्चों के लिए अलग करना है, इसमें चॉकलेट फ्लेवर मिलाना है, तो आप इसे हाफ अलग करके उसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर डाल देंगे, तो ये हमारा बहुत अच्छा सा बैटर वो हो जाएगा, रेडी हो जाएगा चॉकलेट फ्लेवर वाला। और आप इसे पैन उसमें बना सकते हैं, वेफल मेकर में बना सकते हैं, और आप इस पैन में भी बना सकते हैं। मैं आपको पैन और वेफल मेकर दोनों में बनाना बताती हूँ। ये हमारा बैटर रेडी है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ इसको। सबसे पहले तो इसमें हम ग्रीस करेंगे बटर से, ये मैं इसमें ग्रीस कर रही हूँ बटर, अब इसमें मैं बैटर डालूंगी। ये हमारा गया बैटर इसमें, अब हम इसे बंद कर देंगे।
ये हो गया। अब ये पैन में मैं बताती हूँ, ये देखिए हमारे बहुत अच्छे से माशाल्लाह वेफल्स रेडी हो गए हैं अभी, ये देखिए। अब इनको हम निकालते हैं, ये देखिए अभी हमारे अर्दुगान के मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, ये देखिए निकल आया है इसमें से, ये देखिए दोनों तरफ से कितने अच्छी तरह से हो गया है, ये देखिए रेडी हो गया। अब इसमें हम और बैटर शिफ्ट कर देंगे, अब इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रेडी हो गया। ये देखिए अब मैं बताती हूँ पैन में कैसे बनाना है। ये मैंने थोड़ा सा बटर लगा के उसे ग्रीस किया और उसमें ये बैटर डालना है, तो छोटे छोटे से बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा, बच्चों को पसंद आएगा। ये देखिए हमारा, ये देखिए हमारा रेडी है। अब इसको हम पलट लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा सा पैनकेक हमारा रेडी हो गया। तो जिनके पास वेफल मेकर नहीं है तो वो इस तरह से पैन में बना सकते हैं सेम बैटर से, और सेम बैटर से ही चॉकलेट फ्लेवर भी बना सकते हैं, और इसी तरह से बच्चों को अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कोई और शेप है तो आप, ये देखिए हमारा डोरा केक रेडी है, बच्चों का फेवरेट हमारे डोरा केक। अभी हम इसमें हनी डालेंगे ऊपर से, जब हम हनी डालते हैं तो ये बिल्कुल रेडी टू ईट हो जाता है सर। ये देखिए दानियाल अर्दुगान के मुंह में ना पानी आना शुरू हो गया अभी से। ये हमने वेफल मेकर में बनाए, ये हमने पैन में बनाए, तो ये हो गए हमारे डोरा केक जैसे ही है पैन केक, इतने सॉफ्ट से अच्छे से। अब मैं आपको देख के करके बता, देखिए ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल एकदम से डोरा केक जैसे होते हैं, इनका पैन केक वैसा रेडी हुआ है। ये पैन केक हो गए और ये इनका डोरा वो वेफल्स हो गया। तो इस पर आप बनाएं और हनी डाल के गर्मा गर्म खाएं, ओए होए सो यम्मी। ये आप सब लोग बनाएं अपने घर में और खाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, दोनों का फेवरेट है ये।